बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू विल बी फाइन, आई होप सो। टुडेज टॉपिक इज बेटा प्रोटीन। एंड व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड। इट मींस प्रोटीन किससे बनी होती हैं? नाइट्रोजन से बनी होती हैं। हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड हैं, और नाइट्रोजन के अलावा इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर भी मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन तो है ही है, हम कह रहे हैं कि नाइट्रोजनस कंपाउंड है, हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड। और ये पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। जहनशीन करते जाएं हर बात को साथ के साथ ही, ये पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड हैं। बेटे पॉली का मतलब है मैनी, मर कहते हैं सेगमेंट को, यूनिट को। जब बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स आपस में कंबाइन हो के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल बना देते हैं, उसको क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। अब ये पॉलीमर बना कैसे? बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट यानी अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन कैसे होते हैं? अमाइनो एसिड आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। अब पहले तो जान लेते हैं कि अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं। देखें, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बोक्सिल ग्रुप भी रखते हैं एज वेल एज अमाइनो ग्रुप, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप हो, इसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। COOH, इसको यूं भी जाहिर किया जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्सिल ग्रुप। COOH को कार्बोक्सिल ग्रुप कह रहे हैं। NH2 ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं? अमाइनो ग्रुप कह रहे हैं। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ बोथ ग्रुप्स, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप, आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेटा हम क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड्स कहते हैं। देखें, जिनमें ये ग्रुप होता है, इस ग्रुप की वजह से कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एसिड्स कहलाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं, या जस्ट एसिड्स आप कह लें। और अमाइनो ग्रुप भी मौजूद है, तो इसलिए अब क्या कहा जा रहा है? अमाइनो एसिड्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ बोथ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। इनका जनरल फार्मूला से भी यही पता चले। देखें, अल्फा कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये जुड़ा हुआ होता है, और अमाइनो ग्रुप भी साथ के साथ अटैच होता है। हम कहते हैं दोनों ग्रुप हैं, अल्फा कार्बन के साथ कार्बोक्सिल भी, अमाइनो भी। इसके अलावा ये आर ग्रुप में भी मौजूद होता है। ये आर ग्रुप जो है ये कोई हाइड्रोजन भी हो सकती है, और ये आर ग्रुप जो है ये कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। और ये डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है। कार्बन आपने याद रखना है, कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। कार्बन 4 बांड बना सकती है। कितने बांड्स बना सकती है? 4 बांड्स बनाती है। कार्बन के 4 बांड्स आपने कंप्लीट करने हैं। कार्बन के जो वैलेंसी है उसको आपने क्या करना है? सेटिस्फाइड करना है। कैसे सेटिस्फाइड करेंगे? हाइड्रोजन यहां अटैच करेंगे, तो इस तरह से कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। मैंने आपको बता दिया है कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, जिनमें अमाइनो ग्रुप भी हो और जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी हो। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। जनरल फार्मूला शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है, राइट द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है बेटे, तो हमने कहा ये पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। इससे पहले हमने कहा हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड है कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन भी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, और कुछ अमाइनो एसिड्स के अंदर जो है वो सल्फर भी मौजूद होती है। कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एटसेट्रा, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये आपस में जुड़ते कहते हैं पेप्टाइड बांड के जरिए। लास्ट में आपको मैं आपको बताऊंगा कि ये आपस में कैसे लिंक्ड होते हैं। बांड का नाम तो याद कर लिया, ये बांड बनता कैसे है ये लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। और ये कंटेन करते हैं जी 10,000 अमाइनो एसिड्स। कितने? अबव 10,000 अमाइनो एसिड्स अगर इसके अंदर मौजूद हैं तो फिर तो हम उसको प्रोटीन कहते हैं, अदरवाइज हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। इससे कम अगर अमाइनो एसिड्स हों तो पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। देखें, अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड्स जुड़े हैं पेप्टाइड बांड के जरिए, उसे डाई पेप्टाइड कहते हैं। तीन जुड़े हैं उसे ट्राई पेप्टाइड कहते हैं। चार जुड़े हैं
टेट्रापेप्टाइड ज्यादा जुड़े हैं पॉलीपेप्टाइड, इन पॉलीपेप्टाइड्स की क्वाइलिंग और फोल्डिंग से प्रोटीन बनी। ये पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड ही कहलाते हैं अगर अमाइनो एसिड्स की तादाद 10,000 से कम हो, अगर अबव 10,000 हो फिर हम उसको क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। बेटे प्रोटीन्स क्या होती हैं, दो तीन बातें मैंने बताई, हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ दिस 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 एंड दिस, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स कैसे जुड़ते हैं, इनमें कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं ये मैंने बताया, बार बार कह रहे हैं जब ये अमाइनो एसिड्स जो हैं प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से बनी हुई है, जब इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जहरी बात है अमाइनो एसिड भी बनेंगे। ठीक है बेटे, प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स अमाइनो एसिड्स, क्योंकि ये अमाइनो एसिड से बने हुए हैं, जब इनको तोड़ेंगे इनकी पानी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करेंगे तो अमाइनो एसिड ही यील्ड होंगे। प्रोटीन कहां कहां पाई जाती हैं, अगर अक्रेंस पूछी जाती है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज द अक्रेंस ऑफ प्रोटीन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछी जाए, तो आप बता सकते हैं प्रोटीन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है, और ये जो नॉन बोनी स्ट्रक्चर है यानी जो हमारे मसल्स हैं गोश्त है, ये सारा का सारा क्या होता है, प्रोटीन होता है। बून को छोड़ के यानी नॉन बूनी स्ट्रक्चर जितना भी है हमारी बॉडी के अंदर वो सारा प्रोटीन है, और ये मेजर कंपोनेंट है ऑल सेल्स एंड टिश्यूज का। ठीक है भाई, अगर आप सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं या बायो के अंदर, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड बाय लेयर से बनी होती है, किससे बनी होती है, लिपिड बाय लेयर से बनी होती है, और इसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल कहीं कहीं धंसे हुए होते हैं। ये लिपिड की लेयर है, ये वाली लिपिड बाई लेयर है, और इसमें ये जो है ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं जो कहीं कहीं धंसे हुए हैं। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने बायो में पढ़ना है। तो ये बताने का मकसद ये था, सेल की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन वो प्रोटीन से बने, इसी तरह से इस सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रोटीन से बने होते हैं। जब सेल प्रोटीन से बने हुए हैं तो सेल के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं, तो जारी बात है वो भी प्रोटीन से बने होंगे। हम कह रहे हैं जी ये मेजर कंपोनेंट हैं ऑल सेल्स एंड टिश्यूज। ओके डन, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं, कैसे भाई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो सेल से बने होते हैं, जब ये उनका मेजर कंपोनेंट हैं और सेल्स के ग्रोह को टिश्यू कहते हैं, तो हम कह सकते हैं ये ऑल ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं, और ये नॉन बूनी स्ट्रक्चर बनाते हैं। और अगर सेल के ड्राई वेट की बात करें तो उसका 50% यानी वाटर को निकाल के 50% जो है सेल का ड्राई वेट कंसिस्ट करता है प्रोटीन पर। ये हमारे मसल्स में, बेटा ये कहाँ कहाँ मौजूद हैं, ये हमारे मसल्स में, नेल्स में, हेयर में, फूल में, स्किन में, यहां यहां जो है ये प्रोटीन मौजूद है। मैंने बताया प्रोटीन क्या होती है और इसकी अक्रेंस को हमने डिस्कस किया। अमाइनो एसिड्स डेफिनेशन पढ़ाते हुए मैं आपको समझा चुका हूं, अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनाते हैं, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं लेकिन 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद जो प्रोटीन है वो बनाते हैं। तो भाई ये जो 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं ये भी दो तरह के होते हैं, नंबर वन इज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नंबर टू इज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। 10 अमाइनो एसिड्स आउट ऑफ 20 विच कैन बी सिंथेसाइज बाय ह्यूमन बॉडी दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल। देखें जिनको ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, जहरी बात है फिर वो बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि बॉडी खुद बना रही है, बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है जिन अमाइनो एसिड्स को, तो वो डाइट के जरिए लेने की जरूरत नहीं है, बॉडी को वो रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हम उनको क्या कह रहे हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कह रहे हैं। जो रिमेनिंग 10 है आउट ऑफ 20 जिनको बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो वो फिर बॉडी को रिक्वायर्ड है, दे आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, एंड दे आर सप्लाइड टू द बॉडी थ्रू डाइट। और सप्लाई कैसे किए जाते हैं बॉडी को भाई, ये सप्लाई किए जाते हैं डाइट के जरिए, याद रहेगी ये बात। मैंने क्या बताया आपको, बताई है जी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं जिनसे ह्यूमन बॉडी में मौजूद जो प्रोटीन है वो बनी होती है, और ये फिर दो तरह के होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। 10 आउट ऑफ 20
amino acids which can be synthesized by human body are called non-essential. They are not required by the body. So they are not supplied through diet to the body. और जो required है human body को, जिनको body synthesize नहीं कर सकती, इनको कर सकती है, इनको नहीं कर सकती, तो ये फिर required होते हैं. और फिर required है तो फिर supply कैसे की जाती है इन amino acids की? डाइट के जरिए बेटे ये सप्लाई किए जाते हैं. तो ये क्या कहलाते हैं? नॉन एसेंशियल, सॉरी ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं. अब हम लास्ट पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. इंतहाई अहम तरीन शार्ट क्वेश्चन है बेटे, इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है ये. जैसे एक बिल्डिंग ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है, क्या कह रहा हूं मैं, जो बिल्डिंग होती है ब्रिक्स से बनी होती है. ये जो ब्रिक्स हैं ये क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. बिल्डिंग के ये क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. ठीक है, ब्रिक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी बिल्डिंग के. इसी तरह से जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. तो कैसे हम जान लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. जनरल फार्मूला आपने पहले भी ड्रा किया हुआ. अल्फा कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप को हमने लगाना है, अल्फा कार्बन के साथ ही अमाइनो ग्रुप हमने लगाना है, NH2 R ग्रुप अटैच करेंगे और इसके साथ हाइड्रोजन जो है वो अटैच होती है कार्बन के चार बांड पूरे करने के लिए. इसी तरह से एक और अमाइनो एसिड्स का जनरल फार्मूला ड्रा कर लेते हैं. अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन कौन सी होती है? ऐसी कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो. अमाइनो एसिड्स में ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है. तो कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप, इसके अलावा मैंने क्या बताया, कार्बन के साथ, अल्फा कार्बन के साथ आर ग्रुप अटैच होता है और कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए, इसके चार बांड पूरे करने के लिए हाइड्रोजन अटैच होती है. तो बेटे होता क्या है, एक अमाइनो एसिड्स का हाइड्रोजन और दूसरे अमाइनो एसिड्स के कार्बोक्सिल ग्रुप का ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं. तो ये क्या हो गई, इलिमिनेशन, इलिमिनेशन ऑफ वाटर. वाटर जो है इलिमिनेट हो जाता है. बाकी आप जोड़ दें, लिंक कर दें, लिखवाएं मुझे, आप साथ साथ बोलें NH2, आगे क्या है ये C, उसके साथ H, नीचे R, आगे क्या है बेटे CO, और इस CO के साथ जो है CO के साथ बांड बन रहा है ये NH, ये NH ये वाला. ठीक है, एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, बाकी NH रह गए. पहले NH2 था, अब NH रह गए. NH कार्बन और इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, नीचे R ग्रुप और ये कार्बोक्सिल ग्रुप. तो बेटे ये वाला जो बांड बना है कार्बोनाइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के दरमियान, दिस इज पेप्टाइड लिंकेज, दिस इज पेप्टाइड बांड. ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं आपस में जुड़ते हैं, क्या बना देते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स बना दे. दो अमाइनो एसिड्स जुड़ेंगे तो डाइपेप्टाइड, ज्यादा जुड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे. और पॉलीपेप्टाइड्स की क्वाइलिंग और फोल्डिंग से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है. अभी इस पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. मैंने कहा कि बिल्डिंग ब्रिक्स से बनी हुई है तो ब्रिक्स बिल्डिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. इसी तरह से प्रोटीन अमाइनो एसिड्स से बने होते हैं तो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. आज ये आपस में कैसे जुड़ते हैं, कैसे लिंक्ड होते हैं अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड लिंकेज के जरिए पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है बेटे, और ये आपने ब्रैकेट्स को याद करना है, उसने पेप्टाइड लिंकेज को ये ब्रैकेट के जरिए, मोनोमर को उसने ब्रैकेट के जरिए सेपरेट कर दिया है, तो इसको हम रटा भी लगा सकते हैं. आर के बाद ये आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और आर के बाद आपने इसको क्लोज कर देना है, तो ये ब्रैकेट इस तरह से लगेगी. ठीक है बेटे, ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. तो इस वीडियो को बेटे आप लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो. दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज बेटा.